मुख्यमंत्री आवास पर पर्यवेक्षकों की बैठक चल रही थी जो कि अब समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। सीएम गहलोत और सीनियर पर्यवेक्षक मिस्त्री में ये बैठक हुई। चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन और कल होने वाली बैठक को लेकर इस बैठक में अहम मंत्रणा की गई। तो सीएम आवास पर यह अहम बैठक चली। चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन और कल होने वाली बैठक को लेकर यह महामंत्रणा चली। करीब 2 घंटे तक यह बैठक चली, आपको बता दें, जिसके अंदर सीएम अशोक गहलोत और सीनियर पर्यवेक्षक मिस्त्री मौजूद रहे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, पर्यवेक्षकों की यह मीटिंग थी, क्या कुछ चर्चा रही? चुनावी रणनीति की बात सामने आ रही है और कल होने वाली बैठक पर भी चर्चा की गई। और अब देखिए, मिशन सरकार रिपीट को लेकर हाईकमान है वो काफी अलर्ट हो चुका है। लगातार बैठकों का दौर है, वो देर हो चुका है। पब्लिक मीटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री कल ही जयपुर पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक लंबी बैठक की। 2 घंटे उनकी विरासत बैठक चली। करीब 7 बजे से लेकर 9:15 बजे तक ये बैठक हुई। बैठक में कई मसलों पर चर्चा हुई और वह और मधुसूदन मिस्त्री काफी सीनियर लीडर है। जो संगठन चुनाव हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हीं की कह सकते हैं कि नेतृत्व से चुनाव हुए, तो एक तजुर्बेकार नेता है। नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव लड़ चुके, तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयार किया है, किस तरह उम्मीदवारों का चयन करना है, किस तरह गहलोत सरकार की योजनाओं पर चुनाव लड़ना है, इन तमाम पहलुओं को लेकर सीएम गहलोत और मिस्त्री के बीच में बंद कमरे में ये अहम चर्चा हुई। कल जो सुबह 10 बजे और 11 बजे 2 बैठक होती है, उस बैठक का भी यहाँ पर खाता तैयार किया। उधर संगठन महासचिव नंबर 2 पोस्ट पर गांधी से खड़गे के बाद वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, होटल वेरियंट में मौजूद है और कल उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सीएम मिस्त्री और अन्य नेता मौजूद रहेंगे। काफी अहम और निर्णायक ये बैठक होगी और बैठक से पहले गहलोत और मिस्त्री के बीच में ये चर्चा हुई। तो कह सकते हैं कि चुनावी तैयारियों के लिहाज से और इसी तरह रणनीतिक रूप कांग्रेस नहीं चाहती, तो दिग्गज और अनुभवी नेताओं को पूरी तरह से चुनाव में झोंक दिया है और उनके बीच बैठकों का दौर जारी है। बंद कमरे में रणनीतियां बन रही है। अगले 15 दिन बाद कौन उम्मीदवार होंगे, किस तरह होंगे, ये खाता तैयार हो जाएगा। चलिए, तो पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस 2023 के रण को लेकर और उसी को चलते लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए।